हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनिल कुमार शर्मा, कंप्यूटर साइंस लेक्चरर, जीपीसी 200। आज इस लेक्चर में हम डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक सॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जिसका सब्जेक्ट कोड है CS301। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सॉर्टिंग क्या होती है और सॉर्टिंग की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉर्टिंग क्या होती है। तो सॉर्टिंग डेटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा डेटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। जो यह लॉजिकल ऑर्डर होता है वह या तो क्या होगा, असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। हमारे पास दो टर्म आई, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो असेंडिंग का अर्थ होता है कि जो भी डेटा मैं स्टोर करूँगा वो किस फॉर्म में स्टोर करूँगा, इन किस ऑर्डर में स्टोर करूँगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग से अर्थ का अर्थ है छोटे से बढ़ते क्रम में, क्लियर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी मैं डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करूंगा वो डेटा एलिमेंट्स किस फॉर्म में स्टोर होंगे, डिक्रीजिंग में, बढ़ते से घटते क्रम में, क्लियर सब लोगों को। तो मैं बात करता हूं कि सॉर्टिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो, सबसे पहले यदि मुझे कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उन सेट ऑफ एलिमेंट्स में से यदि मेरे अनसॉर्टेड, वो सारे एलिमेंट्स क्या है, अनसॉर्टेड है, मतलब उन्हें किसी ऑर्डर में मैंने अरेंज नहीं किया हुआ, उसमें उस डेटा एलिमेंट्स में से मुझे कोई भी एलिमेंट यदि सर्च करना है तो सर्च करना मुझे क्या हो जाएगा, काफ़ी टफ हो जाएगा। एलिमेंट सर्च जरूर हो जाएगा लेकिन उस एलिमेंट्स को कितने टाइम में सर्च कर, कितने टाइम में वह एलिमेंट कितने टाइम में सर्च होगा, यह आप लोग नहीं बता सकते। तो लेकिन यदि मैं उन डेटा एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में यदि मैं अरेंज कर देता हूँ तो उस ऑर्डर से यदि मैं कोई एलिमेंट सर्च करता हूँ तो क्या हो जाता है, काफ़ी इजी हो जाता है, क्लियर। एक तो क्या हो गया, सर्चिंग के लिए मैं सॉर्टिंग यूज करता हूँ। दूसरा ये है कि जो डेटा एलिमेंट्स है उनको रीड करना क्या हो जाता है, काफ़ी इजी हो जाता है। किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में यदि मैं उन डेटा एलिमेंट्स को क्या करता हूँ, स्टोर करता हूँ। नॉर्मल सिनेरियो में हम बात करते हैं कि अपना जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनमें कॉन्टैक्ट जो लिस्ट होती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या किस फॉर्म में स्टोर होती है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में क्या होती है, स्टोर होती है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में स्टोर होती है, A to Z में। मान लो वो सारे कॉन्टैक्ट्स मैं A to Z फॉर्म में स्टोर ना करके रेंडमली कैसे किसी फॉर्म में स्टोर करता हूँ, रैंडमली किसी फॉर्म में स्टोर करता हूँ। और मुझे कोई कॉन्टैक्ट सर्च करना है तो उस कॉन्टैक्ट को सर्च करने में मुझे क्या लगेगा, टाइम लगेगा। मुझे फर्स्ट से लास्ट तक मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कॉन्टैक्ट को सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। लेकिन यदि वही कॉन्टैक्ट्स मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर करता हूँ, A to Z फॉर्म में मैं स्टोर करता हूँ, तो उसमें से मुझे सर्च करना क्या हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्लियर। जैसे और एक और एग्जांपल हम देखते हैं, नॉर्मली डिक्शनरी, जो हमारी डिक्शनरी होती है, किसी मीनिंग को हम लोग सर्च करते हैं रियल लाइफ में, कोई मीनिंग को सर्च करते हैं, तो उस मीनिंग को मैं डायरेक्ट, मान लो कोई मीनिंग मेरी स्टार्ट हो रही है पी से तो मैं डायरेक्ट कहाँ पे जाता हूँ, पी वाले अल्फ़ाबेट पे जाके उस मीनिंग को क्या कर सकता हूँ, सर्च करता हूँ। तो इससे सर्चिंग भी क्या हो जाती है मेरी, काफ़ी ईजी हो जाती है। नॉर्मली मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ डेटा एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स है, जैसे 10, 5, 40, 50, 90, 60, 45, ये सारे डेटा एलिमेंट्स क्या है, मेरे अनसॉर्टेड हैं। यदि मैं इनको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट करता हूँ तो वही क्या वो सॉर्ट की वो ऑर्डर कौन सा होगा, या तो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। तो असेंडिंग में क्या होगा, घटते से बढ़ते क्रम में, इंक्रीज, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 5, 10, 40, 45, 50, 60, 90, राइट। और डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग में,
बढ़ते से घटते क्रम में, 90, 60, 50, 45, 40, 10 एंड 5। इस तरह मैं किसको क्या करूँगा, सॉर्ट करूँगा किसी भी डेटा एलिमेंट्स को, राइट। अब मैं बात करता हूँ कि सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है इन प्लेस सॉर्टिंग और दूसरी होती है नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, आउट ऑफ प्लेस सॉर्टिंग भी बोलता हूँ। तो इन प्लेस सॉर्टिंग वह सॉर्टिंग होती है जिसमें जिसमें जो भी डेटा एलिमेंट स्टोर है उन डेटा एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए मुझे कोई मेमोरी का कोई एक्स्ट्रा स्पेस की क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। यदि मुझे मेमोरी का एक्स्ट्रा स्पेस की भी आवश्यकता है तो वो कांस्टेंट स्पेस होगा, फॉर एग्जांपल किसी टेम्परेरी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए कुछ मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उस तरह की शॉर्टिंग क्या कहलाती है, मेरी इन प्लेस शॉर्टिंग। दैट मीन्स यह शॉर्टिंग क्या होती है, विद इन द एरे होती है, किसके अंदर, विद इन द एरे इटसेल्फ, राइट। जैसे एग्जांपल बबल शॉर्ट है और इंसर्शन शॉर्ट है, सिलेक्शन शॉर्ट है, ये सारे शॉर्टिंग क्या है मेरी, इन प्लेस। इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मेमोरी की क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। अब मैं बात करता हूँ नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग वे टेक्निक्स होती हैं जिनके लिए मुझे क्या एक्स्ट्रा मेमोरी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उस तरह की सॉर्टिंग मेरी क्या कहलाती है, नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एग्जाम्पल जैसे मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट जो एल्गोरिथम है उसके थ्रू यदि मैं डेटा एलिमेंट्स को सॉर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे एक एक्स्ट्रा एरे की आवश्यकता होती है। एक्स्ट्रा एरे की वजह से यह एल्गोरिथम क्या कहलाती है, नॉट इन प्लेस एल्गोरिथम कहलाती है। तो शॉर्टिंग कितने प्रकार की, दो प्रकार की। अब अपने BTR सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में दी हुई हैं, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट। ये सारी एल्गोरिथम्स के बारे में हम एक एक लेक्चर में देखेंगे कि बबल सॉर्ट क्या है, मर्ज सॉर्ट क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, विद एग्जांपल हम इन चीज़ों को समझेंगे एल्गोरिथम के साथ। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बबल शॉट के बारे में। थैंक यू।